हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइटिंग सेक्शन में लेटर टू द एडिटर करेंगे। ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। अब हम ये समझते हैं कि इसमें क्या लिखना है, इसका फॉर्मेट क्या है। ये न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को लिखा जाता है। अब इस पर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आता है जनरल प्रॉब्लम्स पर, जैसे कि आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ओपन मैन होल्स की, या फिर आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट्स की कमी है उसकी, नॉइज पॉल्यूशन की, या बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की, वगैरह वगैरह। और आप कई बार ऑफिसर्स के पास भी गए और आपकी प्रॉब्लम की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट हो जाए और आपकी प्रॉब्लम हाईलाइट हो जाए और हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे। और दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है वो है कि आप किसी सोशल प्रॉब्लम से लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, किसी मुद्दे की तरफ पब्लिक का ध्यान खींचना चाहते हैं, उस पर आप अपने व्यूज, अपने सजेशंस देना चाहते हैं, ताकि प्रिंटेड मीडिया की हेल्प से उस सोशल इशू को हाईलाइट कर सकें और कोई सॉल्यूशन निकल सके। चलिए अब हम फॉर्मेट देखते हैं और इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। अब हम इसको फॉर्मेट को समझते हैं। आप जो है अपनी आंसर शीट के लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर एड्रेस जो है आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस नहीं है तो इसको आपने छोड़ के नहीं आना है, इसको आपने अपने आप से उस एड्रेस को बनाकर लिख कर आना है। सेंडर एड्रेस क्या होता है कि जैसे आपके क्वेश्चन में नाम लिखा होगा करण, करुणा, तरुण, तरुणा करके कुछ भी, और उसके आगे एक एड्रेस दिया होगा, वही सेंडर एड्रेस होता है। फिर क्या करेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे। डेट का क्या फॉर्मेट है इसको मैं आगे आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल जब आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी तब उसी में आपको बताऊंगी। उसके बाद क्या करना है आपने, फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद फिर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। अच्छा, अब रिसीवर एड्रेस में आप क्या लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस में आपको पोस्ट या डेजिग्नेशन रिसीवर की लिखनी है। जो रिसीवर है, जो लेटर लेगा, जिसको आप लेटर भेज रहे हो, उसकी जो है आपने डेजिग्नेशन वहां पे लिखनी है। उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे लेटर का। अब जो लेटर का सब्जेक्ट है वो भी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर हम लेटर लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट में आता है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप सैल्यूटेशन लिखोगे। सैल्यूटेशन में आप सर, मैडम, या डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। अब जो बॉडी ऑफ द लेटर है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है, जिसमें आप ओपनिंग लाइंस लिखोगे, जो लेटर की जो ओपनिंग लाइंस होंगी वो लिखोगे। उसके बाद फिर आप सेकंड पार्ट में आओगे। सेकंड पार्ट में आप, सेकंड पार्ट को आप एक या दो पैरा में लिख सकते हो, ये आप बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपने वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आप कंटेंट लिखोगे कि किस बारे में लेटर लिख रहे हो वो लिखोगे। इसको आप एक या दो पैरा में लिख सकते हो। फिर आप आओगे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट में आप कंक्लूडिंग पैरा लिखोगे, यानी जो एंडिंग लाइंस होंगी लेटर की आपने वो लिखनी है। उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ोगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर कैसे, नीचे आप थैंक यू लिखोगे या थैंकिंग यू लिखोगे, उसके नीचे आके आपने जो सेंडर का नेम है वो लिखना है। उससे ऊपर आप सेंडर का नाम लिखने से पहले आप क्या लिखोगे, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, ऐसा करके उसके बाद आप नीचे सेंडर का नाम लिख दोगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है, Along with air and water pollution, our cities are also under an attack of noise pollution. Marriage processions, DJs during wedding receptions,
Loud music from neighborhood flats, etc., are all sources of noise, which is not good for the old, the ailing, and students. Write a letter in 120 to 150 words to the editor of a local newspaper describing the problem and making a request to the concerned authorities to solve it. You are Karan Karuna, और जो एड्रेस दिया है वो है M114 माल रोड दिल्ली. अब देखिए, आपको क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट कर दिया है नॉइस पॉल्यूशन क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है. द एडिटर क्या है, वो आपका द रिसीवर है. और जो करण करुणा है ये जो है सेंडर है, और M114 माल रोड दिल्ली ये आपका जो सेंडर का एड्रेस है वो है. चलिए अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं. आपने क्या करना है, अपनी आंसर शीट के लेफ्ट साइड पर सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने डेट डालनी है. और डेट का फॉर्मेट एग्जैक्टली यही होना चाहिए जैसे मैंने लिखा है. पहले आप डेट लिखोगे, फिर मंथ का पूरा नाम लिखोगे, उसके बाद आप ईयर लिखोगे. जैसे मैंने बगल में लिख के दिखाया है आपको 24 सेकेंड 20, आपने ऐसा नहीं लिखना है, ये एकदम गलत हो जाएगा. और डेट आपने वही डालनी है जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है. उसके बाद फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस लिख दोगे, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, और फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे. सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, जैसे क्वेश्चन में क्या है नॉइज पॉल्यूशन पे लेटर लिखना है तो प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अगर क्वेश्चन में जैसे बैड कंडीशंस ऑफ रोड आता तो आप सब्जेक्ट में लिख देते कि प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशंस ऑफ रोड या सिर्फ बैड कंडीशन ऑफ रोड. एक्चुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट आप चार या पांच वर्ड्स में ही लिख सकते हो, तो इससे ज्यादा आपने लिखना नहीं होता. तो अगर बैड कंडीशन ऑफ रोड्स आए, अगर इतना लंबा आता है तो आप खाली बैड कंडीशन ऑफ रोड्स ही लिखोगे, प्रॉब्लम नहीं लिखोगे वहां पे. उसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आपने क्या लिखना है, सर या डियर सर या रिस्पेक्टेड सर. अगर वहां पे जो एडिटर है वो लेडी है तो आपने क्या लिखना है, मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम. फिर एक लाइन छोड़ के आप बॉडी ऑफ द लेटर पे आ जाओगे. अब आप वो लिखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लेटर की बॉडी होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो होगा वो इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, तो सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें आप एक या दो पैरा लिख सकते हो, उसमें आपने कंटेंट के बारे में लिखना है. और जो थर्ड पैरा होगा वो कॉन्क्लूडरी पैरा होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर. अब तो ऊपर पहले आपने लिख दिया सर या डियर सर, कुछ भी, मैडम या डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी है वो लिख के आपने फिर एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद आप लिखोगे, लेटर स्टार्ट करोगे. तो पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पैरा लिखते हैं. इंट्रोडक्टरी पैरा स्टार्ट करते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस या रेप्यूटेटेड या इस्टीम्ड या रिनाउंड, इन चार वर्ड्स में आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं. थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अब यहां पे मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूं, जो ये इंट्रोडक्टरी पैरा है ये आप क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें आप लिख सकते हो, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है. जैसे यहां पे नॉइज पॉल्यूशन है, अगर वहां पर लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स आ जाए तो नॉइज पॉल्यूशन हटा के आपने क्या कर देना है, लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स लिख देना है. कैसे लिखोगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन अवर एरिया. ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में. जो अच्छा, एक बात और, जो ये इंट्रोडक्टरी पैरा है मैंने आपको बता ही दिया है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये हर लेटर में यूज कर सकते हैं. अब सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं.
Besides air and water pollution, the capital city is also struggling with noise pollution, but no one is paying attention to it. DJs during parties, marriage processions, religious congregation, and other gathering all are harmful for us. It is also harmful for elder generation and students who are preparing for their examination. फिर मैंने इसके दो पैरा जो सेकंड पार्ट है मैंने उसमें दो पैरा लिखे हैं. अब सेकंड पैरा पे आते हैं. नॉइज पॉल्यूशन नॉट ओनली लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस एंग्जाइटी एटसेट्रा बट ऑल्सो टू हेल्थ प्रॉब्लम्स. फिर ये हमारा आगे कंक्लूडिंग पार्ट है. आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इन your newspaper and give this problem wide publicity to attract the attention of the officers concerned. या फिर concluding para में या तो आप ऊपर वाला लिख सकते हो या मैंने बीच में और लिखा है या आप ऐसा लिख सकते हो. I hope the concerned authorities will read this letter and take the required action to reduce the noise pollution in the city. अब इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं. अब वही है जो सेकंड वाले में मैंने नॉइज पॉल्यूशन लिखा है सब्जेक्ट, वहां पे बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है. फिर आगे नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के थैंक यू, उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है और नीचे लिखना है योर्स फेथफुली सिंसियरली या ट्रूली, मतलब तीनों में से जो आपको सही लगे आप वो लिखिए और नीचे आपने जो सेंडर है उसका आपने नाम लिख देना है. चलिए अब हम एक लेटर और करते हैं जिसमें आप किसी सोशल प्रॉब्लम से लोगों को अवेयर कराना चाहते हो. चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं. यू हैव रियलाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन फॉर देयर फैमिली सोसाइटी एंड इन टर्न फॉर द नेशन. राइट अ लेटर टू द एडिटर द नेशनल टाइम्स हाईलाइटिंग योर आइडियाज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन leading to a better status for them. You are Tarun Taruna, B79 Mal Road 6 Delhi. अब इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप अपनी आंसर शीट पे जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप क्या करोगे सेंडर एड्रेस लिखोगे. सेंडर एड्रेस मैंने आपको पहले ही बताया है अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आपने खुद से लिखना है, उसको छोड़कर नहीं आना है. उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने डेट लिखनी है. डेट का फॉर्मेट भी मैं बता चुकी हूं, उसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है और वही डेट लिखनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है. उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर नीचे आपने एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस लिखना है. रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन छोड़नी है और सब्जेक्ट लिखना है. अब क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन लिखेंगे. अब हम लेटर स्टार्ट करते हैं. आप ऊपर लिखोगे सर या डियर सर, मैडम या डियर मैडम, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर, आप कुछ भी लिखो. उसके बाद आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे और फिर आप लेटर स्टार्ट करोगे. लेटर स्टार्ट करोगे और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लेटर की बॉडी होती है उसके तीन पार्ट्स होते हैं. पहला आपका इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, फिर जो बीच का होता है सेकंड पार्ट, उसमें आप कंटेंट लिखते हो. वो कंटेंट आपका एक पैरा या दो पैरा दो हो सकता है, आपका मन है आप चाहे एक पैरा का लिखो या दो पैरा का लिखो, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए. फिर आपने नीचे लिखना है कॉन्क्लूडिंग पैरा. कॉन्क्लूडिंग पैरा में आपने लेटर को कॉन्क्लूड करना है, उसकी एंडिंग लाइन्स लिखनी है, ठीक है. लेटर हम स्टार्ट करते हैं. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपको पीछे बता चुकी हूं कि आप चाहे स्टीम्ड लिखो या प्रेस्टीजियस लिखो या रिनाउंड लिखो या रेप्यूटेटेड लिखो, वो आपकी मर्जी है. तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of readers या general public या one and all, ठीक है.
आपने क्या करना है, आप लेटर इसलिए लिख रहे हो ना कि ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, लोग अवेयर हो सकें इस प्रॉब्लम के बारे में, लोग जान सकें। तो आपने क्या करना है वहां पे, आप या तो रीडर लिखोगे या जनरल पब्लिक लिखोगे या वन एंड ऑल लिखोगे, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पैरा। अब आप नीचे आते हो, नीचे आप लिखोगे सेकेंड पार्ट में कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने कंटेंट पूरा नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा सा लिखा है, आप अपने मन से अपने हिसाब से आप कंटेंट आगे लिख सकते हो। मैंने सिर्फ दो लाइन लिखी है, वुमेन आर द पिलर्स ऑन विच द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फैमिली सोसाइटी एंड नेशन डिपेंड्स, और आगे वगैरह 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 आप अपने हिसाब से आगे लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉन्क्लूडिंग पार्ट पे। कॉन्क्लूडिंग पार्ट की जो लाइन से, जो एंडिंग लाइन से, वो आपने वहां लिखनी है। मैंने लिखी है, आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड गिव दिस इशू वाइड पब्लिसिटी सो दैट पीपल मे थिंक ओवर इट। फिर नीचे आपने लिखना है, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली तरुणा, ठीक है। अब जो एंडिंग लाइन से, जो ओपनिंग लाइन से, ये आपकी हर लेटर में सेम रहेंगी, जिसमें आपने अपनी ओपिनियन देनी है। देखिए, अगर आपका लेटर आ गया कि आपने इस पे अपने ओपिनियन देनी है या सजेशन देना है, तो उसमें ये जो आपकी एंडिंग लाइन्स है और जो ओपनिंग लाइन्स है, ओपनिंग पैरा है, आपका सेम रहेगा। बस बीच में आपने कंटेंट चेंज कर देना है। हो सकता है कि कंटेंट अब कुछ भी आ जाए, मतलब जैसे वुमेन एजुकेशन आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, चाइल्ड लेबर आ सकता है, तो आपने उसमें खाली आपने सब्जेक्ट चेंज कर देना है और बीच का आपने जो पैरा है, सेकंड पार्ट है, उसको आपने अपने हिसाब से लिख देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर ना थैंकिंग यू के नीचे आपने एक लाइन छोड़नी है। मैंने लाइन इसके नीचे नहीं छोड़ी क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, इसलिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।